होती हैं। जब इन डेंड्राइट्स को एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मिल जाती है तो हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा न्यूरॉन फायर्ड हो गया है, फायर स्टेट में ये आ गया है। और ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन सिग्नल जो होता है वो डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ आयंस पे। आयंस का मूवमेंट जो होता है ना, उसके कारण ये न्यूरॉन्स जो हैं उनको सिग्नल मिलते हैं और ये चार्ज हो जाते हैं। ये देखिए चार्जिंग हो जाती है इन न्यूरॉन्स की। तो देखो ये जो आयनिक मूवमेंट है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, अपन ने बताया था कि आउटसाइड द सेल एक्सटर्नल मटेरियल है और इनसाइड द सेल बल्क सॉल्यूशन है, और इनके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस ये जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बाहर भी और अंदर भी। और इन आयंस का मूवमेंट डिपेंड करता है एक तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन पर, और दूसरा कि ये रेस्टिंग कंडीशन में हो, है ना, क्योंकि कोई भी न्यूरॉन मैक्सिमम एक्टिविटी तभी दिखाता है जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है। एक बार ये अपना स्टार्ट कर देगा अगर एक्टिवेशन, फिर तो आप उसको कितनी भी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल दें वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी ही शो करता है। अब जब कोई सिग्नल जनरेट नहीं होता है तो न्यूरॉन रेस्टिंग पोजीशन में होगा। रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सेल के बाहर। ये जो बच्चों बाहर की तरफ हमने पिंक कलर के आयन्स दिखाए हैं, दीज आर सोडियम आयन्स, और जो ब्लू कलर के आयन्स हैं दीज आर पोटेशियम आयन्स, और इनसाइड द सेल पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इन आयनिक कंसंट्रेशन के कारण ड्यू टू दी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर, जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पर केमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। और बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होगा, और इस कारण से इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है मेम्ब्रेन के अंदर। कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और चार्जेस के डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और दोनों को कंबाइंडली जो हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब देखिए रेस्टिंग कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव ज़्यादा है, और कितना पोटेंशियल -70 होना चाहिए जो सेल के अंदर है, इसका मतलब कि अंदर की साइड 70 मिलीवोल्ट्स चार्जेस लेस है देन दी आउटसाइड द सेल। केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो होते हैं ना, ये इस पोटेंशियल को एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए सेल के बाहर ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेट पॉजिटिव चार्ज, और इनसाइड द सेल नेट नेगेटिव चार्ज है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, चाहे सोडियम पर यूनिपॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम भी यूनिपॉजिटिव है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंस इन कोऑर्डिनेशन नंबर चार्जेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन चार्जेस के अलावा जो सॉल्यूशंस हैं वो बल्क में बाहर अंदर दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये हमें मालूम है, और वो होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब देखो इनके मूवमेंट्स के लिए, ये मतलब इंडिविजुअली ऐसे ही नहीं जा सकते सेल के अंदर, इनके लिए चैनल्स बने हुए होते हैं, और वो चैनल्स होते हैं प्रोटीन के थ्रू, प्रोटीन उनमें एम्बेडेड होता है। ठीक है ना, ये देखिए मैंने आपको दिखाए हैं, और इनके मूवमेंट के लिए जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इनके थ्रू आयंस जाएं, और आयंस के जाने के लिए ये देखिए वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हम इनको कहते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई लिगेंड आना जाना है तो उसको लिगेंड वोल्टेज गेटेड चैनल आयन बोलेंगे, आयन चैनल बोलेंगे। अगर कोई मैकेनिकली गेटेड चैनल है तो वो फोर्स के कारण, मतलब कि जैसे कोई लेंथ में चेंज हो गई है या बाहर से प्रेशर कोई लग रहा है, तो ये मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल होगा। वो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है आयन्स का तो आयन गेटेड चैनल होगा, वोल्टेज आयन गेटेड चैनल होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको तीन तरीके के बताए हैं सारे, है ना, वोल्टेज गेटेड होते हैं, मैकेनिकली गेटेड चैनल होते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल क्या होंगे बच्चों, जिसमें कि जब तक कि कोई मॉलिक्यूल से ये चैनल बाइंड नहीं होंगे तब तक वो ओपन नहीं होंगे। हर तरह के आयन के लिए सिलेक्टिव होते हैं, सोडियम आयन के लिए सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम के लिए पोटेशियम गेटेड चैनल, ये देखिए। और जब ये मोस्ट ऑफ द आयन चैनल्स हैं वो सिलेक्टिव होते हैं हर तरह के आयन के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सोडियम वाले से ही पोटेशियम चला जाएगा, पोटेशियम वाले से ही सोडियम चला जाएगा। ठीक है,
और जैसे ही कोई आयन चैनल से अंदर आता है, सेल के बाहर का रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा तो वो होगा ग्रेडेड पोटेंशियल। ये देखिए ग्राफ में दिखाया है, पहले वो रेस्टिंग पे था और अब वो चेंज हो गया तो वो ग्रेडेड चैनल हो गया। जब आयन चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम आयन को आउटसाइड द सेल जाना होता है, तो देखिए ये देखिए सोडियम पोटेशियम पंप की बात है, तो सोडियम इकट्ठा तो हो गया वहाँ पे, लेकिन अभी उसको इतनी एनर्जी नहीं मिली, वो सिलेक्टिव है ना, तो इस सोडियम आयन को बाहर जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इस प्रोसेस को एनर्जी प्रोवाइड होती है बाय एटीपी हाइड्रोलाइसिस, और ये सोडियम पोटेशियम पंप के लिए ज़रूरी है। जब सोडियम बाहर चला जाएगा तो पोटेशियम आ जाएगा और उसी तरीके से वो ओपन हो जाएगा पोटेशियम आयन के अंदर आने के लिए। अब देखो इसका परिणाम क्या होगा, सोडियम कंसंट्रेशन तो बाहर ज़्यादा हो जाएगी और पोटेशियम अंदर आ जाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिकली तो मेंटेन हो, तो अंदर की साइड तो कंसंट्रेशन पोटेशियम की ज़्यादा है, बाहर की साइड सोडियम की ज़्यादा है। अब क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6 आपको पता है, और पोटेशियम का होता है 4:4, तो इसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण 3 सोडियम आयन तो जाएंगे बाहर, दिखा रखे हैं बच्चों देखो 3 ही सोडियम बनाए हैं अपन ने, और इसके बैलेंसिंग के लिए केवल 2 पोटेशियम ही अंदर आ पाएंगे, और ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी डेवलप हो गया है और ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी डेवलप हो गया है। अब हम न्यूरॉन की बात करें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब -70 से थोड़ा इंक्रीज होगा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तक जब वो पहुंचेगा, जैसे कितना -55, तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ये न्यूरॉन है बच्चों देखो, एक्सॉन विलॉक, ये इससे ऊपर जा रहा है, ये एक्सॉन है और यहाँ से वो आ रहा है सेल बॉडी, तो एक्सॉन विलॉक। अब ये हमारे पास सोडियम वाला, सोडियम आयन की बात हो रही है, सोडियम आयन कैसे वो अंदर आएंगे, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं जो कि 3 स्टेट में हो सकते हैं, या तो ओपन या क्लोज या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। जब इस फ्रिक्वेंसी पे पहुंचेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयन का डिफ्यूजन सेल के अंदर हो जाता है, ये चैनल ओपन हो जाते हैं सोडियम आयन वाले जो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण। इस केस में इनसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे, क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है ना और सोडियम आयन अंदर जाते जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या होगा, पॉजिटिव, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना शुरू कर देगा, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पे उस नेगेटिव को वो न्यूट्रलीफाई करेगा ना, न्यूट्रल करेगा, तो वो 0 मिलीवोल्ट तक उसको पहुँचा देगा। तो जब इंटरनल चार्ज 0 हो जाएगा, इस केस में वहाँ पे नेट चार्ज कुछ भी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ दी मेम्ब्रेन। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए पोटेशियम आयन इसको बैलेंस करने के लिए वापस बाहर जाता है, ये देखिए, तो पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे और उसके कारण उसको बैलेंस करने के लिए वो पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा वापस से और अंदर की तरफ चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, वापस से मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल डेवलप हो गया जो कि 0 हो गया था, इसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने ये दिखाया, देखो 2-2 सोडियम, हर बार 3 सोडियम के बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम ही बाहर या अंदर आएंगे, ये आपको ध्यान, इस तरीके से ही ओपन होते हैं। और ये जो न्यूरॉन में हमने सिनेप्स बताया, उस सिनेप्स की जो इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं आयंस के थ्रू नेक्स्ट एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू, डेंड्राइट्स के थ्रू, थ्रू आउट द लेंथ आगे तक चली जाती है ना। तो ये है, ये एक आयंस के थ्रू जाने वाले सिग्नल है, इसलिए वो एक, क्योंकि ये भी चार्जेस हैं, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, पूरे न्यूरॉन में वो डेवलप हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, पूरा सिनेप्स जो कि इंफॉर्मेशन ले जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक।